अस्सलामुअलैकुम, आज हम आपके लिए लेके एक बेहतरीन पेशकश सुनो चंदा एपिसोड 8 पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं। देखो शाहजहां, जो भी बात है ना साफ साफ करना, पहेलियां ना बुझवाना। बात दरअसल ये है कि शाहाना को बेतकल्लुफी भा नहीं रही है अपने मियाँ के मामले में और बेला की। कल को उसे हमारा सांस लेना अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे? शाहाना ऐसी बच्ची नहीं है। तो बिलों के कौन से इश्तेहार लगे हुए पूरे शहर में कि वो डाकू है, डाके डालती है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो शाहजहां, ये मियाँ बीवी का मामला है, बेहतर होगा इसमें तुम अपनी टांग ना अड़ाओ। इस तरह तो शादी के घर का माहौल खराब होगा ना। पहले कौन से शादियाने बज रहे हैं यहाँ पर? हर एक ने अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद सजाई हुई। हम बड़े हैं, हमारा काम है बच्चों को जोड़ के रखना। देखो मियाँ, ये सबक अपनी बीवी की भांजी को पढ़ाओ, मैं अपनी भांजी को खुद संभालूंगी। शाहाना जज्बाती तस्वीर की लड़की है। तो हमने कौन सा अपने सीने में सीमट की सिल धरी हुई है? बड़े बड़े कमजोरों की चोटें बर्दाश्त की हैं हमने। बड़े बड़े कमजोरों की, ओह भाई शाहजहां निकल गए हो गए। अंकल यार कोई बात नहीं है, कम से कम जो हो गया कोई बात नहीं है। सबसे बेस्ट चीज ये है भाई, इनकी वीडियो। आप थोड़ी देर में अपना मुंह धो लीजिएगा, फिर देखना आपका चेहरा कैसे चमकेगा। हाय जी, तेरे पुत्र है, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हवा लगाती रहूं मैं इसको इस तरह? जी हाँ सही है, इस तरह। ठंड पैगी सूरत हो जाना। जिया को देखा तुमने? आजकल तो वो हमेशा आपके साथ ही दिखती है। अच्छा नहीं लगा? नहीं तो मैं तो यही चाहती हूँ। क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, आप मैं तो इतने दिन के बाद। बच्चे, इस घर में इत्तेफाक से चार चार मर्द होता है। मैं समझा नहीं अंकल। तुमको किधर से समझ में आएगा? तुम तो हर वक्त औरतों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, मंडलाता रहता है। ये अच्छा बात नहीं। नहीं वो तो मैं शक्ल क्या देख रहा हूँ? जाओ इधर से, चलो चलो चलो। तुमको तुम्हारा माँ सिखाता नहीं है कि सर पर दुपट्टा भी लेता है? रमजानुल मुबारक का दिन है, जा। Oh,
अंकल कैसे उसने अभी तक दुपट्टा नहीं लिया, ऐसे चली गई। अरसल भी पंजाबी बहुत दुख तकड़ी बोलता है ना, उसकी मम्मा भी मेरे को बड़ा पसंद आता है ये चीजें। मुझे लगता है इनके साथ होगी लफड़े, खड्डे पड़ेंगे अगर इनके साथ। वैसे ये जमशेद भाई और शाहना भाभी के दरमियान क्या चल रहा है? माजी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल खासा बुरा चल रहा है। अरे जमशेद भाई भी तो बाइक पे लिए लिए घूम रहे हैं उस बिल्लो रानी को। कजन है हमारी, लेकिन इंसान को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। रहने दे आप, आपको शाहना भाभी का पता नहीं है? पर का कबा बना देती है वो। अब की बात है, मुझे बड़ा अजीब लगा आज। एक साथ पले बढ़े, अब कजन्स में इतनी बेतकल्लुफी तो हो ही जाती है ना। लेकिन फिर भी इंसान को थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए कि नहीं? साल पुरानी बात है।
चला के देखो। कहाँ जाऊँ अगर जी? अरे क्या करोगे, चुप कर रहा हूँ उसे। ठीक है, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बड़े बंदे की ही फायदा होता है घर में, समझदार बंदा होना चाहिए। ये अंदर घुस के आपको नहीं पता शाहना भाभी ने आपके खिलाफ एक मास्क खड़ा कर रखा है। खोला भी चाहिए, जाहिर है मैं उनसे ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जवान जो जब शेर का बच्चे का तो ऐसा कतैसा कर दिया उसने। अपनी अपनी किस्मत है जलाल जी, बर्दाश्त कर, तपास कर। तुमको ये बातें कौन सिखाते हैं? वैसे तुमको एक बात हम बताए, बहुत जीदार किस्म का औरत है तुम। मैं कितनी ही जीदार सी ही जलाल जी, पर उस शानों के खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती मैं। कट्टे उनको तो पूरा पेखावर नहीं बांध सकता। आपको फिर बड़ा नाजुक, खूबसूरत और प्यारा खातून। ये क्या हो रहा है? सुनो चंदा, एपिसोड हेड पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग था। जलाल अंकल और बिल्लो आंटी की जो भाई बात ही अलग है, कैसे आके उन्होंने पहले तो उनके आने का स्टाइल है, आके भाई उन्होंने कैसे उल्टे होके खड़काया कुंडा, फिर उसके बाद डायरेक्ट आके उनके पास में आके, भाई मैं बोला इतने पास में क्यों जा रहे हैं अंकल, क्या हो गया इनको आज भाई, उस उधर आके डायरेक्ट फोटो वीटो सेल्फी बिल्फी ले रहे भाई साहब, बहुत बढ़िया यार। उधर ही खत्म कर दिया यार, मेरे को लगा कुछ और शिट यार, बट आगे देखते भाई। एक तो इन्होंने अर्सल और जिया ने क्या खड़दम मचाया है घर में, अपने अब्बा और मम्मी को, अम्मी को लड़ा दिया भाई है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।